व्यूअर्स, आप सब इंटरनेट तो यूज़ करते होंगे, लेकिन इंटरनेट के वक्त आप क्या क्या यूज़ करते हैं? कुछ देखना, कुछ सोशल मीडिया पे वर्क करना, या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखना, या गूगल सर्च में कुछ भी सर्च करना। तो दोस्तों, आप जब कुछ सर्च करते हैं, या फिर आप जब कोई सामान परचेस करते हैं ऑनलाइन के थ्रू, या फिर कुछ भी बिल पेमेंट करते हैं, तब क्या आपका जो कार्ड डिटेल्स है, या फिर आपका जो नेट बैंकिंग का डिटेल्स है, आईडी, पासवर्ड, ये सब सिक्योर है? आप कभी कि आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि मैं जो डिटेल्स फिलअप कर रहा हूँ वो एक सिक्योर साइड में है? जैसे कि आपने डिटेल्स शेयर किया है तो वो सिक्योर है, कोई आपका जो यूज़र डिटेल्स लेके कोई कुछ कर नहीं सकता? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HTTP और HTTPS के बारे में, आपका ऑनलाइन एक सिक्योर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो ये जो एक HTTP है, जो HTTP के थ्रू ही आपका जो आप जो गूगल पे सर्च करते हो, या फिर सर्फेस पे कुछ भी वर्क करते हो, जो भी यूज़ करते हो, वो HTTP के थ्रू ही होता है। HTTP के थ्रू आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप लेके इंडेक्स पे सर्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्कैन करके आपका जो टोटल डिटेल्स है वो आपके सामने शो कराती है, जो HTTP के थ्रू ही आपको भेजा जाता है। तो HTTP के थ्रू जब आपको भेजता है, तो HTTP, अब अगर कोई हैकर सोच रहा है कि आपका जो डिटेल्स है वो लेना चाहता है, जैसे कि जो हम जो सर्च करते हैं, या फिर वो जो डेटा आ रहा है, तो वो डेटा को क्रैक करेगा, उसका पैकेज को वो देखना चाहता है, तो एक हैकर HTTP के थ्रू इजीली वो देख सकता है कि आपकी कंप्यूटर पे क्या आ रहा है, या फिर आपकी मोबाइल फ़ोन पे क्या आ रहा है, ये सब देख सकते हैं, क्योंकि वो ओपन सोर्स लिंक होता है। और जो HTTP का है वो है ओपन सोर्स लिंक प्लस प्लेन टेक्स्ट के थ्रू जाता है, तो प्लेन टेक्स्ट के थ्रू कोई भी आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब देख सकता है और आपका डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे कि आप कोई कार्ड फिलअप कर रहे हैं कि आप ये ऑनलाइन में, शायद ही कुछ फ्रॉड साइट आता है, फ्रॉड साइट पे आपको लिखा आता है कि ये चीज़ आपको इतनी कम प्राइस पे मिल लेगी, तो जब आप कोई आपका डिटेल्स फिलअप करते हैं, आपका कार्ड नंबर देते हैं, तो वो HTTP के थ्रू अगर कोई हैकर चाहता है तो वो ईजिली क्रैक कर सकती है। अब हम बात करते हैं HTTPS के थ्रू, माने HTTPS HTTPS के जो लास्ट एस है वो होता है सिक्योर, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो वो जो सिक्योर सिस्टम है उसमें क्या होता है और वो कहाँ पे वर्क करती है? तो वो जो HTTPS है वो इनक्रिप्ट फाइल के थ्रू वर्क करती है। अब जो आपका इनक्रिप्ट फाइल होता है, वो अगर कोई हैकर चाहता है कि आपका, हाँ, कोई हैकर चाहता है कि आपका डिटेल्स लेगा, तो वो अगर कुछ फाइल ले भी सकता है, तो वो टोटल जो फाइल का सिस्टम है वो ओपन करके नहीं देख सकता कि हाँ, इस फाइल में ये था और ये पैकेज इसके लिए वर्क कर रहा है, वो एक हैकर अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा, जिससे कि आपका फाइल सिक्योर रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये ओपन सोर्स में नहीं आता, ये पैकेजेस के थ्रू, एक एनक्रिप्ट फाइल के थ्रू वर्क करती है। तो अब बात करते हैं ये आपको कहाँ पे देखने मिलती है और आपको कहाँ देखना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपका नेट बैंकिंग है, या फिर आप कोई कार्ड डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका कोई बैंक अकाउंट पे आपका अकाउंट डिटेल्स चेक करना है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए सिक्योर है या नहीं है। जैसे कि आपके जो साइट सिक्योर होता है उसमें एक ताले की सिंबल होता है, ताला लेके लिखा आता है सिक्योर, या फिर आपको लिखा आता है उसके बाद HTTPS/, तो वो एस आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो अगर एस नहीं है तो आपका, अगर आप वो डिटेल्स फिलअप करेंगे तो आपका जो डेटा है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट बैलेंस है, वो पब्लिकली हो सकता है और आपका जो बैलेंस है वो गॉन हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं। और एक बात आप देख सकते हैं कहाँ पे, जैसे कि आप जब कोई साइट ओपन करते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस साइट, आपका वेबसाइट, या फिर आप जो सामान परचेस करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, या फिर और कुछ भी, वहाँ पे आप देख लीजिए, जब आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तब आप ज़रूर देख लीजिए कि आपका जो आपका HTTPS वो है या नहीं। अगर नहीं है तो वो आप मत दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सेफ नहीं होगा। अगर आप अपना डिटेल्स, कार्ड नंबर शो करेंगे, तो वो HTTP के थ्रू कोई हैकर अगर देख लेगा तो आपका कार्ड या फिर बैंक अकाउंट बैलेंस वो ज़ीरो हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं HTTPS कैसे आप
ले सकते हैं। तो HTTPS क्या है, HTTPS को कोई वेबसाइट या फिर कोई वेब डेवलपर कैसे ले सकता है, तो उसके लिए आपको गूगल पे SSL की सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो जब SSL सर्टिफिकेट अप्लाई होता है तो SSL सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट जब आ जाता है तो वो साइट का लिंक या फिर वो साइट वो जो आपको सर्टिफिकेट देता है वो आपका वेबसाइट पे इंस्टॉल करना पड़ता है। अब जब इंस्टॉल हो जाता है तभी आपका साइट सिक्योर हो जाता है। तो अब जब बात करते हैं दोस्तों सिक्योर की, अब बात करते हैं गूगल सर्च पे। अब जब भी कोई डिटेल्स के बारे में सर्च करेंगे तब आपको पहले शो होती है जो HTTPS की साइट्स है वो सारी शो होती है, क्योंकि जो अब गूगल प्रायोरिटी HTTPS को दे रहा है। अब क्यों दे रहा है, क्योंकि गूगल चाहता है कि आपका जो डिटेल्स है वो एक सिक्योर साइट में जाए, एक सिक्योर साइट के थ्रू आप वर्क करें। वरना अगर आप कई और कोई साइट पे अगर आपका डिटेल्स फिलअप कर देंगे तो वो डिटेल्स आपको आपके लिए महंगाई पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है, आपका कोई भी डेटा लीक हो सकता है। इसीलिए गूगल हमेशा अपनी जो सर्च इंडेक्स है उसके ऊपर हमेशा HTTPS का को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी बताना है या फिर आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं इस बारे में तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।